ठीक है, तो इन लोग को अच्छा नहीं मिलती, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी अगेन उसको पावर से क्या करा गया, हटाया गया, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई उसका नाम क्या था, कन्वेंशन। कन्वेंशन गवर्नमेंट किसने बनाई थी, रोबेस्पियर ने बनाई थी, और अंडर दिस गवर्नमेंट ऑल मेन गॉट राइट टू वोट, ठीक है ना। तो अब वो जो सेक्शन था क्या कि जो प्रॉपर्टी सेक्शन होंगे, जो रिचर पीपल होंगे वही उनको ही राइट टू वोट मिलेगा, वो रूल हटाया गया और उसकी जगह क्या आया, कन्वेंशन आया, ठीक है ना। आप कन्वेंशन के बाद क्या आई, कन्वेंशन की गवर्नमेंट अगेन बहुत अनस्टेबल थी। क्यों अनस्टेबल थी, क्योंकि रॉबेस्पियर जो था वो अपनी रूल्स और रेगुलेशंस को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहा था, इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहा था जो पॉसिबल नहीं था। आ रही बात समझ में। तो उसका रूल फिर से कैसा हो गया था, मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा हो गया था, अगेन एक बंदे के हाथ में पूरा पावर चला गया था। और क्योंकि एक बंदे के पूरा हाथ में पूरा पावर चला गया था, तो अब फ्रांस को रियलाइज हुआ कि जब भी एक सिंगल पर्सन के पास में आप इतनी सारी पावर दोगे तो क्या होगा, उससे हमेशा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। इससे बेटर है कि अब हम लोग गवर्नमेंट तो बनाएंगे लेकिन सारा पावर एक बंदे के हाथ में वेस्ट ना करके हम लोग 5 डायरेक्टरीज को क्या देंगे, पावर देंगे। और फिर क्या बनी, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। लेकिन अगेन ये 5ों डायरेक्टरीज आपस में क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे, क्योंकि ये आपस में खुद में ही क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो फ्रांस में अगेन एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्या आ गया, टाइम आ गया। और आफ्टर दिस इनस्टेबिलिटी फाइनली कौन पावर में आया, नेपोलियन पावर में आया। नो व्हाट इज दिस बेटा, ये चैप्टर का समरी है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारी चैप्टर की फर्स्ट 3 यूनिट्स का समरी है ना, जिनको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रांस में कैसा रूल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सॉरी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या ऐसी सिचुएशन बनी जो लोग राजा के रूल से डिससैटिस्फाइड हो गए, ठीक है ना। उन्होंने किस तरीके से रिवोल्ट किया उन्होंने, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी थ्रू नेशनल असेंबली, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे कि कन्वेंशन कैसे बना, और फिर हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस कैसे बना और कैसे फेल हुआ और कैसे नेपोलियन पावर में आया। क्या ये कहानी यहाँ तक क्लियर है? तो 1774 में जब किंग लुईस 16 को फ्रांस का थ्रोन मिला, थ्रोन मतलब राजगद्दी मिली, तो वो सिर्फ कितने साल का था, 20 साल का था, ठीक है ना। उसने किससे शादी करी थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटनी से शादी करी थी, ठीक है ना। फ्रांस ने उस टाइम 13 अमेरिकन कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प करी थी, ठीक है ना। इसलिए फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, ठीक है ना। तो एग्जाम में आता है 2 क्वेश्चंस, दैट व्हाट वाज द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर व्हाई डिड द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, या फिर राजा या स्टेट ने टैक्सेस क्यों बढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट क्या है बेटा, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ फ्रांस। इतने सालों तक, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली थी, तो क्या हुआ था, फ्रांस का सारा की सारा फाइनेंशियल वेल्थ खत्म हो गया था, ठीक है ना। जितना भी पैसा था उसका खत्म हो गया था, ठीक है ना। डेट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लेवरी, डेट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लेवरी इनके ऊपर था, बहुत सारा कर्जा था, ठीक है ना, जिस पे वो तो इनको वापस चुकाना ही था, प्लस इस पे 10% इंटरेस्ट भी देना था, ठीक है। इसके अलावा आर्मी मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, कोर्ट मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेंटेन करना, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए बहुत सारा क्या लगता है, पैसा लगता है। इसलिए फ्रांस को क्या करना पड़ा, टैक्सेस बढ़ाने पड़े, ओके, है ना। अब कुछ स्कूल्स में क्वेश्चन आता है क्या कि लिवरे क्या होता है, तो देखो लिवरे क्या होता है, लिवरे बेसिकली फ्रांस की करेंसी होती करेंसी। है जो 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। लिवरे क्या होता है, करेंसी ऑफ फ्रांस है जो कब डिसकंटिन्यू हो गई थी, 1794 में। दिख रहा है बेटा सबको, दिखा
आयुषी जाग राजा जाग. देखिए बेटा लेवरे करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर इन 1794. चलो आगे जाए बेटा. ठीक है एक क्वेश्चन और आता है कि ओल्ड रिजाइम किसको बोलते हैं एग्जाम में. एक क्वेश्चन का आंसर आता है कि ओल्ड रिजाइम किसको कहते हैं. तो हम लोग कहते हैं जो भी चीज है फ्रांस की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी बिफोर 1789. ठीक है ना, जितनी भी सोसाइटी थी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी जो फ्रांस में एग्जिस्ट करती थी कब, बिफोर 1789, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रिजाइम कहते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है नेक्स्ट. अब जो हमें आगे पढ़ना है वो क्या है, हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड. हाउ वाज फ्रांस सोसाइटी या फ्रांस में सोशल सेटअप कैसा था. तो हमने कहा कि फ्रांस में बेटा तीन स्टेट हुआ करते थे. कौन से, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट को हम लोग क्या कहते थे, क्लर्जी कहते थे. ठीक है ना, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने पास क्या था, चर्च के स्पेशल फंक्शंस थे, ये चर्च के पंडित हुआ करते थे. ठीक है ना, ये एक टैक्स, कौन सा टैक्स, तिथे. ये तिथे टैक्स क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. ठीक है ना, इनको बेस्ड ऑन बर्थ, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इनटू अ सर्टेन फैमिली, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी और इनके पास बहुत ज्यादा लैंड था. ये टैक्स लेते थे पर टैक्स पे नहीं करते थे. ठीक है नेक्स्ट, दूसरा कौन है बेटा, नोबिलिटी. नोबिलिटी के हाथ में बहुत सारा लैंड था. ठीक है, इनको भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मिलती थी, इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस ही मिलती थी. फ्यूडल प्रिविलेजेस समझते हो क्या होता है ईशा, फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती है बेटा? दी फ्यूडल प्रिविलेजेस वो होती हैं जो बेस्ड ऑन बर्थ होती हैं और जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है, मतलब वो प्रिविलेजेस जो सबके लिए इक्वल नहीं होते. सिया, फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती है बेटा? दी फ्यूडल प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस होती है जैसे अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो पेजेंट्स उसके लैंड पे आके काम करेंगे और वो उसे पेजेंट्स को ही उसको पैसा देना पड़ेगा और लैंडलॉर्ड पैसा नहीं देंगे पेजेंट को. ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल एक सिस्टम हुआ करता था बहुत साल पहले, वेरिन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी. तो ऐसे में पीजेंट्स क्या करते थे, उनके लैंड पे काम भी करते थे और उनका लैंड का रेंट भी चुकाते थे. ठीक है, और लैंडलॉर्ड इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं देता था. ठीक है, तो ये भी सिर्फ किसको थी, बड़े बड़े लैंड्स किसके पास थे, नोबिलिटी के पास थे. बड़े बड़े लैंड किसके पास थे, क्लर्जी के पास थे. इन दोनों के पास क्या थे, बड़े बड़े लैंड्स थे. ठीक है ना, और जो पीजेंट्स थे यानी कि थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, इनको क्या करना पड़ता था, इन लोग को रेंट देना पड़ता था. इनको क्या करना पड़ता था, इनको रेंट देना पड़ता था. ठीक है, तो थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे बेटा, थर्ड स्टेट में सबसे पहले कौन आते थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स, सर्वेंट्स. पर थर्ड स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखे तो सबसे बड़ा स्टेट था क्योंकि यहाँ पर 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी और इन्हें क्या भरना था, टैक्स भरना पड़ता था. ठीक है क्या यहाँ तक? How was French society divided? Is it clear to everyone? हाँ जी. चलो आगे जाएं. हाँ. हमारा जो next topic है वो क्या है? Subsistence crisis. Next topic क्या है? Subsistence crisis. ठीक है. तो जो पीरियड है बिटवीन 1715 टू 1789, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई. अब क्योंकि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी.
ठीक है ना, लेकिन जिस लेवल पे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी थी उस रेट पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था, यानी कि खाने वाले ज्यादा थे लेकिन ग्रेन क्या था, कम था। ठीक है, क्योंकि खाने वाले ज्यादा थे और फूड ग्रेन्स क्या थे, कम थे, इसलिए ब्रेड क्या हो गई, महंगी हो गई। अब ब्रेड तो महंगी हो गई लेकिन वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ी, मैं समझता हूँ दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है पर आपकी कमाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, लोग बहुत परेशान है ना। जब सूखा पड़ जाता था या बारिश ज्यादा पड़ जाती थी या बर्फ गिर जाती थी तो फसल और खराब हो जाती थी, हार्वेस्ट और खराब हो जाता, और क्योंकि हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब क्या, फसल, तो सिचुएशंस और खराब हो जाती। इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या होता है बेटा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बेसिकली एक सिचुएशन होती है वेर इन आपके पास बेसिक सर्वाइवल मतलब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इनडेंजर्ड, कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे में सर्वाइव कैसे करोगे। क्लियर है? हाँ दी। बोलो कोई परेशानी। देखो यहाँ पे फैक्ट फिगर्स भी दिए हैं कि फ्रांस की पॉपुलेशन कितने से 23 मिलियन थी, कितनी 1715 में, ये सीधे सीधे कितने पे आ गई, 28 मिलियन पे आ गई, ठीक है ना। और ओल्ड रिजाइन के टाइम पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस बार बार होता था, यानी कि बार बार क्या होता था, पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, फूड प्रोडक्शन बढ़ता नहीं था, लोगों की वेजेस नहीं बढ़ती थी, तो वो लोग फिर क्या करते थे, सर्वाइवल के उनके जो वो रहती थी, चांसेस रहती थी, वो क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा कम हो जाती थी। इज दैट क्लियर? चलो, इसी बीच इन सारी सिचुएशंस के बीच पे एक नया क्लास ऑफ पीपल, अभी तक हमने कहा था तीन लोग थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट वाले जनरली मिजरेबल रहते थे, थर्ड एस्टेट वाले जनरली मिजरेबल रहते थे, यानी कि गरीब रहते थे, ठीक है ना। लेकिन अब थर्ड एस्टेट वाले धीरे धीरे क्या लिखने लग गए थे, देवर अक्वायरिंग एजुकेशन, देवर अक्वायरिंग मनी। दो चीजें, मनी कैसे एक्वायर करे थे, वो बिजनेस, इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, कैसे कमाया था, थ्रू बिजनेस कमाया था इन्होंने, ओवरसीज ट्रेड मतलब दूसरे सी के थ्रू अपने गुड्स बेचना स्टार्ट करे थे, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करी थी। वुलन और सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने से क्या फायदा हो रहा था, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने से इन लोग को ये फायदा हो रहा था कि ये लोग क्या कर पा रहे थे, इजिली रिच पीपल को अपने गुड्स बेचते थे, और क्योंकि ये रिच पीपल को अपने क्या करते थे, गुड्स बेचते थे, तो ऐसे में क्या होता था, ये लोग को इनके गुड्स एंड सर्विसेस का बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, है ना। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग आने लग गए थे, जैसे कि लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, टीचर्स, ठीक है। अब ये जो इमर्ज हुई थी, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली पैसा कमाया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं। ये जो मिडिल क्लास थी, ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जो मैक्सिमम एफर्ट किए गए थे, जो बहुत पायनियर थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो कौन थी, मिडिल क्लास थी। क्यों मिडिल क्लास थी, बिकॉज ये लोग एजुकेटेड थे, ये लोग एजुकेटेड थे। बट एग्जाम में रोल ऑफ मिडिल क्लास भी आता है इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पहली बात, तो मिडिल क्लास इमर्ज कैसे हुई, दो तरीके से। पहला तरीका पैसे कमा के, दूसरा कैसे पैसे कमाए इन्होंने, ओवरसीज ट्रेड करके, वूलन और सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस करके, गुड्स अमीर लोगों को बेचकर, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ लिख कर, ठीक है। तो ये जो मिडिल क्लास थी, क्या थी, ये एजुकेटेड थी। इनको लगता था किसी भी सोशल ग्रुप के पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होने चाहिए। आपके पास अगर स्किल है, आपके पास हुनर है, आप अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, तो आपको क्या मिलनी चाहिए, प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। साहिल कैमरा ऑन। अदरवाइज आपके पास कुछ मेरिट होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इनटू अ सर्टेन फैमिली, जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इनटू अ सर्टेन फैमिली, आपको प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, सोशल पोजीशन जो है, सोसाइटी जो है, उसमें हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम भी होनी चाहिए। सोसाइटी में हर जगह क्या होनी चाहिए, फ्रीडम। तो ये किसकी प्रोसेस थी, ये किसकी थॉट प्रोसेस था, ये था किसका थॉट प्रोसेस, मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास के ये जो सारे आइडियाज थे, ये सारे क्या होने लग गए थे, धीरे धीरे फैलने लग गए थे, ठीक है। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक, नहीं?
इसके बाद बेटा क्या आता है, इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या, रोल ऑफ फिलोसोफर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलोसोफर्स का रोल क्या था। तो हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलोसोफर्स जो थे, तीन मेजर फिलोसोफर्स के नाम याद करने आपको कौन से, जॉन लोके, जीन्स जैक्स रॉस से और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो जॉन लोके ने क्या लिखा था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें रिफ्यूट, रिफ्यूट करना मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना होता है डॉक्ट्रिन, मतलब जो चला आ रहा है डॉक्ट्रिन कौन सा, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्की, राजा को ये जो अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं, ये अनलिमिटेड पावर्स राजा को किसने दिए हैं और इसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ठीक है ना, ये किसने बोला था, जॉन लोके ने बोला था। दूसरा फिलोसोफर था जीन्स जैक रॉसे, जिसने बोला था कि जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजंस एंड रिप्रेजेंटेटिव। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट और सिटीजंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉमिस करती है और इवेंचुअली उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती है तो सिटीजंस के पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट राइट्स होंगे कि आपको हम लोगों ने बोला था, आपको हमने एज अ गवर्नमेंट इसलिए चूज किया था कि आप हमारे वेलफेयर के लिए काम करोगे, अब क्योंकि आप हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हो तो हमारे पास राइट है आपको पावर से हटाने का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। थर्ड होता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने किताब कौन सी लिखी थी, स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसने बोला था एक बंदे के हाथ में कभी भी पावर नहीं देना चाहिए, पावर को डिवाइड करना चाहिए तीन पार्ट्स में, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियल। ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी क्या करे थे, अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए थे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बहुत सारे क्या दिए थे, राइट्स दिए थे, तो फ्रांस के लोगों को लगता था कि हमें भी इस तरीके के राइट्स मिलने चाहिए। तो ये